الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء ذیشان حفاظ کرام اور انتہائی محبتاں دے لائق عاشقاں مصطفیٰ اج دی بابرکت پر نور پیاری محفل محمد اقبال دے بچیاں دے قرآن پاک حفظ کرن دی خوشی چ محفل میلاد دا انعقاد ہو رہا ہے. یاد ہے کہ پچھلے بچے نے جدوں قرآن حفظ کیتا اسے مقام تے محفل ہوئی اور میں وعدہ کیتا اور جدوں بچیاں نے مینوں فون کیتا وعدہ یاد کرایا میں کہ پتر مینوں یاد ہے زندگی رہی تے انشاءاللہ حاضری ہوگی. انہوں کا میں شکر گزار ہاں کہ بڑے عرصے بعد پھر اے محبت بھرے پیارے پیارے اور حسین چہرے دیکھن کا موقع ملیا. اللہ تعالیٰ ایویں ہسدیا مسکراندیا رہے رکھے اور اے حضور دی محبت والا جو باغ ہے اے صدا بہار رہے. میں چھوٹا جاندہ سی آپ صاحب این ناک سارا سی تھے ہو میں نوشو محبت رہا بلہ میں چھوٹے بلے نے انہوں سن رہا تھے میں خوشی ہو رہی ہے کہ حافظ ہون دے بعد یہ تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا خطیب ہی بنے گا انشاءاللہ اگر اس پاس سے توجہ دے وے یہ بہت اچھا خطیب ہی بنے گا. بڑی خوش نصیبی ہے بھائی اور حفظ قرآن قرآن دا علم حاصل کرن دے بعد مومن نو خوشی ہونی چاہی دی بھی ہے. انہوں نے پورا قرآن حفظ کیتا ہے. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی نا سورۃ بقرہ حضور کتنے اٹھ کئی اٹھاں دی جو دعوت یعنی انہوں نے پکا کے اور محفل دا اہتمام کیتا. ظاہر اٹھ کھان واسطے کوئی ایک بندہ تو نہیں نا آیا سینکڑوں بندے آئے ہونے نا. تو یہ تے صحابہ کرام دی سنت بھی ہے قرآن دا علم حاصل کرو. لوگوں جیویں انہوں نے لنگر پکایا ہے اسب توفیق انہوں نے اپنی توفیق دے مطابق پکایا اچھی بات ہے. حضرت گرامی انشاءاللہ
पहले खिताब होए इंशाल्लाह एक बाद बड़ा हसीन खिताब होने वाला है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लवांगा, मेरा अपना जोक एक मसले पे डिस्कस करनी है। अलामा मोहम्मद आशिक फरीदी खतीब पाकिस्तान मुनाजरे इस्लाम फाजले नौजवान बड़े धड़ल्ले नाल खिताब करने वाली शख्सियत है। मैं कह जनाब आज वेले हो कि जी आज मैं वेला, कल असी लाहौर से, कल साडा मतलब दिन भी और रात का भी प्रोग्राम लाहौर का कट्ठे ही है। मैं कह रहा फिर पंपी चक की ज़ियारत करा भी आखदा जी जिमें मर्जी। मैं कह जी आ जाओ फिर, अल्लाह खैर करे, मेरा भी शौक है मैं उन्होंने सुना। मैनू तुसी कमलियां रमलियां गल्लां पहले सुनते रहे हो, माशाल्लाह काफ़ी साल सुने। तो मेरे तो पहले शाह साहब ने आप दे खतीब आजम माशाल्लाह उन्होंने अच्छा खिताब फरमाया, दिल खुश होया, मोहब्बत भरियां बातें सुनाइयां, तुहानू अच्छी बात है। जो मैं आया मुकरसा पढ़िए जरूरत सामने रख के और मौका माल नो सामने रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम हमदे खुदा भी है नाते मुस्तफा भी है। अलिफ लाम मीम मैनू पूछो हजरत जी का माना मतलब की है, मैं हाथ खड़े हजरत साहब नू पूछो। अलामा साहब माशाल्लाह दरसे निजामी दे मुदर्रिस है और आम आदमी कोई तदरीस नहीं कर सकता दरसे निजामी दी, इतनी महारत सरफ नाव कलाम मंतक मानी इसके बावजूद ये कहेंगे हजूर मैं माजरत मैनू नहीं पता। चलते जाओ पूछते जाओ जिबरीली अमीन तू लैके आन वाला है अलिफ लाम मीम का मतलब मैनू कोई पता नहीं। ए अबू बकर सिद्दीक, ए उमर, ए सहाबा तुहाडे मौजूदगी च कुरान नाजिल होया, तुसी कुरान साहिब कुरान को सिखिया की मतलब है? वो आखणगे ए अल्लाह और रसूल दे दरमियान राज है, जिन्हों अल्लाह जानता है या उदी अता दे नाल मुस्तफा जानता है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तात है और हरूफ मुकत्तात ए अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान राज है जिन्हों कोई दूसरा नहीं जानता। की मतलब है कोई दूसरा नहीं जानता? मुरादी मानी बुजुर्गों ने लए ने, हकीकी मानी जो है मतलब वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। अगे फरमाया जालिकल किताब, जालिका इसमें इशारा है, अल किताब तो मुराद कुरान मजीद है। ला रईबा फीही, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा है कुरान के अंदर फरमा रहा है कि कुरान पाक अल्लाह ताला दी ऐसी किताब है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। हुण ते दौर आ गया ना कि शकूको शुबहात पैदा किए जाते हैं, कुरान के सिपारे च नाजिल नहीं होया। एक कमली कौम जम पई हो आंदी जी 40 आए ते 30 रह गए, उन्होंने पूछो जो सिपारे च कुरान उतरे ही नहीं, 40 कित्थों हो गए ते 30 रह गए, इहदा की मतलब है? कुरान सूरतां च नाजिल होया है और जिवें अल्लाह दे पाक नबी ते नाजिल होया ना, अज मनो अन बगैर किसी वादे घाटे दे कुरान उवें ही मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। हजूर दे बेशुमार मौजज़े, हजूर दे बेशुमार मौजज़े, सब तो वड्डा मौजज़ा जो है ना वो कुरान है। किसी ने आज भी कोई कहे ना दिल करे कि मैं अपने नबी का मौजज़ा वेखा, कुरान का दीदार कर लवे, ज़ियारत कर लवे हुज़ूर का मौजज़ा है। क्यों? जदों कुरान उतरिया आपने कौम नू सुनाया, वो जमाना अदीबां दा शायरां दा जमाना,
उस जमाने शायर की बड़ी कदर की जाती और अरब के अरबो अजम के शुरा के कलाम खाना काबा की दीवारा न लटकाए जाते आवेजा किए जाते लिखे जाते और वो लोग फखर करते कि साढ़े जहा शायर दुनिया च कोई नहीं। जो कुरान उतरिया ना तो बाद लोगों ने तनकीद की इतराज किया ना जी ये शायर ये तो कलाम है मुहम्मद सलम का अपना रात को लिखते ने सवेरे पेश कर देते ये अल्लाह का कलाम तो नहीं है। जो ये बात हुई ना खुसर फुसर उंगली उठाई दुश्मना ने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब ये जड़े लोग इतराज करते ना कुरान से इन्हों एक चैलेंज कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब चैलेंज कर दे इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़तु बिसूरतिम मिम मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। महबूब इलान चैलेंज दे कि तुसी अपने दावे च अगर सच्चे हो ना कि तुसी आंदे हो कि अल्लाह का कलाम नहीं ये बंदे का कलाम है अल्लाह की बनाई हुई शायद कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अज सारी दुनिया इकट्ठी होके मच्छर का पर नहीं बना सकता क्यों मच्छर अल्लाह ताला दी मखलूक है अल्लाह ने मच्छर नू बनाया है मच्छर दा पर कोई नहीं बना सकता। अगर कोई बंदा आज कोई तैयारा बनाता है उसनू देख के दूसरा मुल्क बना लेता है कोई मिसाइल बनाता है उसके मुकाबले दूसरा जो है उस तो भी अच्छा मिसाइल बना लेता है एटम बम बनाता है एक मुल्क तो दूसरा बना लेता है इतने बड़े बड़े तैयारे छे छे सौ बंदे नू लै के फजाए च उड़न वाले एक मुल्क बनांदा है एक इदारा बनांदा है एक बंदा एक इंजीनियर बनांदा है दूसरा उसनू वेख के उस तों बेहतर तैयारा बना लैंदा है लेकिन पर नहीं बना सकता। वजह की है वजह है कि पर बनाया अल्लाह ने मक्खी मच्छर बनाया अल्लाह ने इस वास्ते अल्लाह की बनाई हुई चीज का कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। एक किताब होती अगर बंदे की बनाई हुई तो फिर इस जैसियां कई किताबां आ जांदियां। आज कितने सौ साल गुजर गए बोलो यार इस चैलेंज में 1400 साल तो ज्यादा अरसा गुजर गया ठीक है ना। पूरी दुनिया कुफर नू चैलेंज किया गया कि तुसी क्या सारी दुनिया कुफर इकट्ठी हो जाए एक सूरत इस कुरान की छोटी जी सूरत कौसर दी इस जैसी कोई सूरत ले कोई एक आयत ही बना दे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर कैसे नहीं बना सकते فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا غیب دی خبر تھی نا آج لوگ آندے نا نبی نو غیب دی غیب دا علم نہیں ماذا اللہ دی دیوار تو پیچھے دا علم نہیں آج 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب انہاں نو دس دے کہ تسی नहीं बना सकोगे सारी दुनिया कुफर मिलके बड़ी बड़ी इजादात करने वाले इदारे सारे मिलके अपने आप नू सुपर पावर कहलवान वाले सारे इकट्ठे हो जाओ इस कुरान का मुकाबला करो कोई एक आयत ही बना के दिखाओ। फरमाया महबूब ये बना ही नहीं सकनगे कयामत आ जाएगी मगर कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। या अल्लाह क्यों
फरमाया महबूब इन्ना नहनु नज़ल नज़िकरा व इन्ना लहू लहाफिज। फरमाया कि एक कुरान अल्लाह ताला दा कलाम है और अल्लाह इस जिक्र नू नाजल करन वाला है और ये अल्लाह दी हिफाजत दे विच। नंबर एक ते अल्लाह दी हिफाजत दे विच है, दूसरा ये अल्लाह दे पाक पैगंबर दा मौजज़ा है। जो शे अल्लाह दी हिफाजत विच होवे कोई हेर फेर कर सकदा नहीं। क्यों? अज असीं बैंक का चौकीदार किसी बना देवी है या वह को माफिज बना देवी आम आदमी नूं, वो सौ जाएगा, चोर फायदा उठा के चोरी कर लेगा, हो सकता है ना। एक माफिज है वह जागदा है, वह सौंदा ही नहीं है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, बड़ा चौकन्ना है, मुसल्ला है, ताकतवर है, कोई चोर आके चोरी नहीं करेगा। तो जो सारी कायनात तो बड़ी हस्ती है, सारिया पावर जिथे खत्म हो जाए तो उसकी पावर शुरू हो जाती, बल्कि हर पावर उसकी अता करता है। वो जात जिसका नाम अल्लाह है, जिसकी शान है कि उसनू ऊंग भी नहीं आती, जागता है, क्या उसकी हिफाजत के अंदर कोई शय है तो कोई चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कोई इतराज करे, शक करे कि इस दे विच के पूरा नहीं है, तो उसने डायरेक्ट अल्लाह की जात पे इतराज किया। फिर कुरान के अंदर जो कोई शक करे, ओ ला शक्का बात है कि वह मुसलमान ही नहीं रह सकता। कुरान के अंदर कोई शक करे वह मुसलमान ही नहीं है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलिफ लाम मीम। मैं भी कदे नहीं मंगी कि तू आख पिछला आख अगला के सुनो कुरान हदीस अच्छी बात, दिल करे तो सुभान अल्लाह आखो तुहाडा फायदा है, ना आखोगे तो तुहाडे जिक्र दा अल्लाह मोहताज तो कोई नहीं, उदा तो हर शह जिक्र कर दिए। तुसी आखना है तो अपने वास्ते, जिवें शाह साहब फरमा रहे तुसी अपने बाग लाने। बार समझ आ गई? मैं फिर पढ़ा कुरान अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक कुरान अल्लाह ताला दा वो कलाम है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। आईया अल्लाह दी सारिया किताबा बड़िया शाना वालिया, बड़िया अजमता वालिया, हर मुसलमान उदो पक्का ते सच्चा मुसलमान बनता है, उदो मुसलमान होंदा जदो सारी किताबा ते ईमान रखे। किसी एक किताब का भी मुनकर मुसलमान नहीं हो सकता। जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़िया है वो मनदा है, तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, जबूर भी अल्लाह की किताब है। हाँ ये बात है कि अपने अपने वक्त के अंदर अपने नबियों के जमाने के अंदर वो असली हालत दे विच रहियां, ते उन्हां दे जान दे बाद हुण हेर फेर हो गया, अज वो किताबा असली नहीं, पर असी मनने आ कि जबूर भी हक, इंजील भी हक, तौरात भी हक, सहायफ सारे हक, कुरान भी हक, चार बड़िया किताबा और चारा के अंदर सब तो बड़ी किताब जिसका नाम कुरान है, जिसका नाम कुरान है। और हकीकत यह है कुरान जड़ा लैके आने वाला है उन्हों भी पता नहीं है की है। कुरान उदो बनया जो हजूर के कलबे अतर ते नाजिल होया, और आप दी लिसान उल्ला दी शान वाली जुबान, और वमा यंते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा दी शान वाले होंठ हरकत च आए फुल झड़े, तो आप दी मुबारक जबान च जो निकलिया तो कुरान बन गया। किसे नु पता नहीं, कोल बैठे साहबा नु पता नहीं की नाजिल होया।
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਲਾਂ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਬੂਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਅਵਲੀਨ ਆਖਰੀਨ ਉਲੂਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਬੂਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲਬੇ ਅਤਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਲਾ ਰਾਤਾ ਬਿਮ ਵਲਾ ਯਾਬਿਸਿਨ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕ ਸ਼ੈ, ਕੋਈ ਤਰ ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲੂਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਕਲਬੇ ਅਥਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅੱਲਾਮਾ ਕਾ ਮਾਲਮ ਤਕੁਨ ਤਾਲਮ। ਏ ਮਹਬੂਬ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਲਾ ਮਕਾਂ ਦਨਾਫਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬਗੈਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਮਕਾਂ ਮਾਲਮ ਤਕੁਨ ਤਾਲਮ। ਏ ਮਹਬੂਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਬੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਹਬੂਬ ਤੇ ਉਤਰੀ ਏ ਉਹ ਮਹਬੂਬ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਬੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਐਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਬੇ ਤੋ ਨਬੀ ਬੇਐਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪਣੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਉਤਰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵਸਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਫਸੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਠ ਨਾ ਕਾਫੀ, ਦੋ ਨਾ ਕਾਫੀ। ਫਰਮਾਇਆ 70 ਉੱਠ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਾਂ ਤੇ 70 ਉੱਠ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਫਸੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਵਲ ਹਦੀਸ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਅਲੀ ਉਕਾੜਵੀ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਆਪ ਨੇ 40 ਰੋਜ਼ਾ ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਾਜੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸ਼ਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਏ, ਰੋਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੇ ਅਲੀ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮੇ ਅਲੀ ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੁਲਾਮੇ ਅਲੀ ਇੱਕ ਉੱਠ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਯਕੀਨਨ 70 ਉੱਠ ਦਾ ਤਫਸੀਰ ਇੱਕ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਵਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ
मैं ऐलान नहीं करता कि मैं बाजारा चौका नहीं रहा, किसी को पता है मेरे गोश्त की रस्सी गुम होगी, नहीं, मैं घर आ जाता, कुरान खोलता, कुरान पढ़ता, मैं पता लग जाता मेरे गोश्त की रस्सी कितने पड़ी है, क्योंकि हर शायद आवाज है बयान कुरान, कोई शय ऐसी नहीं कि कुरान के अंदर उसका बयान ना हो। और फिर इस कुरान को पढ़न वाले पढ़ाण वाले फरमाया इस दुनिया के अंदर सब तो बेहतरीन बंदे वो हैं जो खुद कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। बेहतरीन बंदे कुरान पढ़न वाले और कुरान के पढ़ाण वाले। और फरमाया कि कुरान सीने च रखन वाला फरमाया कि उस ते कबर दी मिट्टी नू खाना आराम है, जिस दे सीने दे अंदर कुरान दा इल्म है, जिस दे सीने च कुरान है। और बड़ी प्यारी बात हदीसे पाक दी रोशनी च फरमाया कि एक है मेरी आल जिवें सादात, फरमाया ओ मेरी पुश्त चो निकली है, और जो कुरान दा इलम रखन वाले नू मेरे सीने चो निकले ने, ये मेरी रूहानी औलाद है, ये मेरे सीने चो निकले ने। और मकाम इतना बड़ा है, एक हाफिज़े कुरान खानदान दे ओ दस बंदे जिन्ना ते जन्म वाजिब हो चुका होगा, हुक्म होएगा कि तू उन्हें खानदान के दस बंदे जिन्हें जन्म वाजिब हो गया शिफात करा के जन्नत चला जा। और जो जन्नत में जाएगा ना, एवं नहीं जाएगा, जो जन्नत में जाएगा ना तो फिर हुक्म होएगा कि जिवें दुनिया च मेरे इस कलाम को पढ़दा वे ना, जन्नत के 6666 दर्जात है और कुरान की आयतों के बराबर है। तू फरमाया कि इवें कुरान पढ़ता जा, तिलावत करता जा और जन्नत के आखिरी दर्जे तक पहुंच जा, उस तो अगे जन्नत का दर्जा ही कोई नहीं। जिथे तक तू पढ़ता जाएगा वो जन्नत तेरी है, वो जन्नत तेरी है। जिवें दुनिया कुरान पढ़िया करता से ना, अज इत्थे पढ़ और जन्नत के अंदर जन्नत दर्जात जो है वह हासिल करता जा और उत्थे कब्जा करता जा, सारी जन्नत तेरी है। ये तो है ना कुरान पढ़न वाला हाफ़िज़े कुरान है। एक है जेड़े इकबाल की तरह, किथे इकबाल, इकबाल की तरह मेहनत करने वाले अपनी औलाद नूं कुरान पढ़ाने वाले मां बाप कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां दे सिरां ते नूर दे ताज रखेगा। दूसरे लोग दूसरी कौमां दे पुछणगे कि इतना नूरानी ताज जिन्हां दे सिर ते लगदा है ये किसी उम्मत दे नबी होणगे, तो सुनन वाला जवाब देंदा है कि ये किसी उम्मत दे नबी नहीं बल्कि अल्लाह दे आखरी नबी दे ओ उम्मत ही है जिन्होंने अपनी औलाद नूं हाफ़िज़े कुरान बनाया से। ए अल्लाह दे आखरी नबी दी ओ उम्मत ही है कि जिन्हां दी औलाद कुरान दी कारी बनी और हाफिज बनी। वालदैन नूं भी नवाजा जाएगा हाफ़िज़े कुरान, जिस दिल दे अंदर कुरान है ना वो आबाद है और जिस दिल दे अंदर कुरान नहीं ना वो वैरान है, वो वैरान है। जिवें एक मकान बनावे तो उत्थे इंसान ना रवे, बंद होवे उत्थे मकड़ी जाले लगे होन, मिट्टी घट्टा पिया होवे वो वैरान है क्योंकि उत्थे आबादी नहीं, उत्थे इंसान नहीं है, वो वैरान है। एक वैरान मकान की तरह वो दिल है जिस दे अंदर कुरान ना होवे। कुरान नाल मुहब्बत करो, याद रखो कुरान नाल मुहब्बत करो। जदों कबर दे विच पहुंचना है ना, कबर दे विच सारे रिश्ते नाते टुट जाएंगे, अल्लाह दे नबी दा ते कुरान दा रिश्ता खत्म नहीं होगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर शिफात कराएंगे, कुरान तुहाडी हिफाजत करेगा, कुरान तुहाडी हिफाजत करेगा। और जिस दिल दे अंदर पूरा कुरान है उन्हों खत्म नहीं होने देगा कुरान, वो बाकी रहेगा अपनी कबर के अंदर, बाकी रहेगा, जिंदा रहेगा।
मैं एक मिसाल मैं अपनी अखां नाल वेखी, खतीबे पाकिस्तान अलामा मुहम्मद शरीफ नूरी रहमतुल्लाह अलैह, कुरान दे बड़े प्यारे कारी हाफिज और आलिम है, और दारुल उलूम अनफिया फरीदिया बसीरपुर तो फारिग है, और खिताब अपने दौर च कमाल दा खिताब कर दिया है। बहरहाल मेरे संभलन तो पहले वह विसाल फरमा गए। अलामा उमर आशिक साहब जदों परवेज मुशरफ के दौर दे विच ना बाजार चौड़े किए गए ना, बत्ती चौक तो सड़क जाती ना जिहड़ी लक्कड़ मंडी नूं अगे मीनारे पाकिस्तान नूं, इत्थे इक छोटा जिहा दरबार हुंदा दरबारे नूरी दरबारे, कुछ लोगों ने वेख्या होगा वो दरबारे नूरी। पहले भी कुछ बाजार च आया तो फिर जो इहदी तौसीह कीती गई ना सड़क दी तो बिल्कुल सेंटर च आ गया, मुतबादल जगह दिती गई। और मौलाना मुहम्मद शरीफ नूरी रहमतुल्लाह अलैह नूं जदों कबर चों कढ़िया गया ना, हज़ारां बंदयां दे नाल इह बंदा भी गवाह है कि वह जिवें पढ़दे ना कि मुहम्मद के गुलामों का कैफर मैलानी, वह मैं प्रैक्टिकल किया, मैं अखां नाल वेख्या है कि मौलाना मुहम्मद शरीफ नूरी 27 साल पहले फौत होए और उन्हें जो कबर चो कढ़िया गया तो उन्होंने कफन भी मैला नहीं होया। कुरान की बरकत है भाई, कुरान की बरकत है, ईमान की बरकत है, ईमान और कुरान जो इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो जिस सीने दे विच कुरान है उस सीने नूं भी उस सीने वाले नूं भी बर्बाद नहीं होण दिंदा, जिन्हें तुहानूं कबर के अंदर खराब नहीं होण दिता वो तुहानूं अगे किवें खराब होण देवेगा। ये सच्ची बात है ना, कुरान शिफात करेगा। तो अपने बच्चों जिथे दुनिया पढ़ाते हो पढ़ाओ, मैं मुखालिफ नहीं, कम अज कम उत्थे अपने बच्चों दीन भी पढ़ाओ, दीन तो कांड ना करो। बड़ा अच्छा तरीका है साढ़े बाबा अजदाद का पुराना बुजुर्गों का कि सुबह फर्स्ट टाइम कुरान पढ़ान मस्जिद गलने भी, कम अज कम अच्छी बात है, कम अज कम ये अच्छी बात है कि चलो मस्जिद जाए बच्चा नमाज पढ़े कुरान पढ़े पढ़ के आए वापस, बहुत प्यारी बात है। और ये जड़े पढ़न वाले होंगे ना ये आम नहीं होंगे, ये अल्लाह रसूल के मेहमान होंगे। डेरा इस्माइल खान एक मस्जिद है, मेरे एक दोस्त उत्थे खतीब रहे, मैंने भी उन्होंने एक दफा दावत दी थी तो उन्होंने एक वाक्या सुनाया कि इस मस्जिद के जेडे मुतवली है ना उन्होंने इत्थे बच्चों का तालीम का इतमाम किया, हिफज की क्लास शुरू की थी। और वो मुतवली वो खुश नसीब आ कि जिसनों रोजाना नबी पाक का ख्वाब के अंदर दीदार होता, और उस डेरा इस्माइल खान अंदर एक होर शख्सियत भी है कि जिसनों नबी पाक अलैहि सलाम का दीदार नसीब होता है। एक दिन मुतवली साहब आए तो वेख्या बच्चे दौड़ बाद कर रहे हैं, मस्जिद है आया तो कुट दिता सारे नूं, तुसीं मस्जिद है तुहानूं एहतराम नहीं है, तुसीं दौड़ रहे ने, ये वो रात हुई ना तो करवटां बदल रहे लौट पौट हो रहा नींद आती है, लेकिन वो जो दीदार है ना वो नहीं हो रहा, तो बड़ा परेशान है, रोंदा पिटदा मेरे को की जुर्म हो गया। तो सरकार उस दूसरे बंदे दे ख्वाब विच आए तो उसने अर्ज कीती, हजूर फलां बंदे ते बड़ा करम होंदा रोजाना आप दे दरबार की हाजिरी उस नसीब होंदी है, आप दा दीदार नसीब होंदा ते ए सादत उस तो क्यों वापस ले ले गई। आप आका करीम ने फरमाया कि तैनूं पता नहीं है ये कुरान पढ़न वाले जो बच्चे हैं ना ये मेरी रूहानी औलाद है, ये मेरे सीने चो निकले हुए औलाद है। फरमाया कि इसने मेरी रूहानी औलाद नूं बेजा मारिया, और उसने फिर तौबा की। यानी यह जो घरों चलता है ना बच्चा ये आम नहीं, बच्चा नहीं जरूरी नहीं, बाबे और भी यह भी चल पाए ना, बाबा भुट्टो भी चले ना घरों पढ़ने वास्ते कि मैं शाह साहब को मस्जिद जाके पढ़ना है, तो खुदा की कसम उठा के आखना अरशा तो फरिश्ते अपनी मसरूफियात छड़ के ये पैर थले अपने नूरानी पर बिछाने जो तक दरसगाह तक जाता है माशाल्लाह। तो जितने इना समझो कि पढ़ने का वक्त चला गया, सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, वड्डे भी पढ़ो, बड़े भी पढ़ो, जिमें मेहनत कर रहे अच्छी बात है, बाकी अब आप भी पढ़ो। बंदा सारी जिंदगी तालिब इलम है, सारी जिंदगी बंदा तालिब है, तालिब इलम बन के रहो।
मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने फरमाने अदबो औलादकुम अला सलासा खिसाल, अपनी औलाद नु तीन चीजा सिखाओ। केड़िया? अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। बात समझ आ रही है? तीसरा फरमाया कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, कुरान की किरात सिखाओ, कुरान का इलम दो बच्चों को। तीन चीजा मौला अली ने जोर देकर फरमाया। अपनी औलाद नू हुजूर दे इश्क तो खाली ना रखो, हुजूर दे आशिक बनाओ, हुजूर दी आल दा अदब करने वाले बनाओ। तीसरा कुरान तो दूर ना रखो, इन्हां नू कुरान दी तालीम भी दवाओ। असी मौला अली नू मन्ने ना, पक्की गल है, फिर उन्हां दे हुक्म ते भी अमल करो। औलादा नू भी ते आप भी पढ़ो, औलादा नू भी पढ़ाओ ते आप भी पढ़ो। और इंशाल्लाह ताला अजीज इस सिलसिला चलता जाएगा। मदारिस के अंदर माशाल्लाह ये बच्चा इत्थों शुरू होया और फिर फकीर नगर चला गया। इब्तदा हुई, इब्तदा अच्छी हुई, लेकिन बदबख्तां दी बद नजरी लग गई इस मदरसे को, जिहड़ा किसी वेले आमा अव्वल तो लैके आलिया तक क्लास पहुंच गई। कुरान पाक जितने बच्चे हिफज कर रहे हैं बुनियाद ये मदरसा, जितने बच्चे हिफज कर रहे हैं ना जिन्होंने किया है बुनियाद ये मदरसा बने। लेकिन बद बख्तां दी बद नजरी लगी और अज वो जिहड़े बंदे आने जी हुण कारी साहब का कब्जा छुट गया जी, मुबारक होवे कब्जा छड़ाण वाले, अज मैं उन्होंने मुबारक देना। नंबरदार साहब तुहानू मुबारक होवे, हुण वैरान पिया जे अल्लाह ताला तुहाडे कोलों पुछेगा कयामत वाले दिन। ए गरीब बंदिया ने, मेरे को अज भी लिस्ट पई है, गरीब मेहनती बंदिया ने, मजदूर इत्थे वो राई फैमिली दे एक बात मेरे नाम जी ने एक गां दित्ती, अल्लाह दित्ता उसने गां दित्ती, बच्चियां ने मावां भैणां ने अपने जेवरात दिते, आबाब ने गरीब घुमियार मज दे रहे, मुख्तलिफ लोगों ने बड़ा जज्बा दिखाया, हर एक ने अपने अपने ताकत मुताबिक हजार हा मुखालफतों के बावजूद मदरसा बन गया। लेकिन याद रखो एक कमेटियां शमेटियां चला लेंदियां होंदियां ते मुड़ अज कमेटियां ही मौलवी बनियां होंदियां, यही खड़े होंगे मिंबरां ते, यही मुसल्लियां ते खड़े होंगे, इन्हां दे वस दा रोग नहीं। जदों तक बल्कि गल भी है जिहड़ा बानी होंदा ना किसी मदरसे का, उस दे नाल अगर ज्यादती की जाए तो फिर आबादियां घट ही वेखियां, फिर बर्बादियां वेखियां। मेरे सामने और भी कई मिसाल हैं कि बनाने वाले नाल जो ज्यादती की गई ना तो फिर उत्थे आबादी नजर नहीं आई, फिर बर्बादी नजर आई। बल्कि मेरी दुआ है, मैं तो इट्टां लाइयां। और याद रखो इस मदरसे वास्ते किबला शाह जी एक वड्डी कुर्बानी मेरे जो मैं दित्ती है ना, वो शायद इन्हां बंदियां नूं पता ही कोई नहीं। मैनूं फक्त याद आ रहा है कि मेरी अहलिया ने माजूरी के बावजूद इन्हां गलियां च चल फिर के मावां भैणां नूं बेटियां नूं शऊर दे के शहर च मदरसा बनाया। ये पिंड दियां मावां भैणां इकट्ठियां होकर उन्हों मुतमिन करके इत्थे लाइया कि तुसीं अपने पिंड दे बच्चियां नूं सबक दो, इन्हां नूं पढ़ाओ। वो बाबा अल्लाह जन्नत नसीब करे की नाम जमाल दीन, बाबा जमाल दीन अल्लाह उसकी कबर नूं रोशन करे। उसने भी बल्कि उसकी औलाद ने भी तो कोई मसला नहीं किया, मसले तो दूसरे पासों जिन्हां दे विच लगे ही कुछ नहीं, तकलीफ उन्हां नूं आई। इत्थों असीं गए जदों इन्होंने साडे कोलों स्टाम वापस लिया ना, मैनू रो के रात नूं आंदी कि हजरत जी हुण अपने इत्थे रहण दा हाल कोई नहीं, मदरसा बनाया, मेहनत कीती है कि इत्थे जिंदगी गुजारांगे, इत्थे तलीम देवांगे पढ़ावांगे, लेकिन ये लोग कदरदान नहीं निकले, अपन को जगह बदल लेनी चाहिए। दिशाट हो गए ना, जो जगह बदली ना तो अगे वो रिस्पोंस ना मिलिया और फिर वो याद बच्चियां दी, क्योंकि एक बंदा किसी एक दरख्त थले भी बहना शुरू कर देवे ना तो उस दरख्त नाल भी मुहब्बत हो जाती है।
ਤੇ ਕੋ ਇਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਗਮ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਵਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਇਹ ਫਾਨੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈ ਰੁਸਤਮ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਹ ਕਸਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਇਆ ਖਾਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੋ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਤਬੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਦੜੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਰਿਆਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕੇ ਪਹਿਨੇ ਨਿਕਾਬ ਪਹਿਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਨੀ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਸਮੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਔਰ ਆਫਰੀਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਆਸਫਾ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮਰਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਤੋ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਰਾਏ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਹਿਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚੋਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਦਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਫਰੀਦੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਬਲ ਇਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਖ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਖਿਤਾਬ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਵਰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਰਨਮ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਔਰ ਨਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ 1500-1500 ਬੀਬੀਆਂ ਮਹਿਫਲ ਹੋਣੀ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਵਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਗ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜ ਬਣੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
बगैर किसी वक्फे दे, मैं जिस साहब नू बुला रहा बेहतरीन खतीब, बेहतरीन अदीब और बेहतरीन मुहद्दिस और मुफस्सिर, अपने इदारे दे बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन मुनाजिर, जिन्ना ने बद मजबा दे नक च दम किया है, बार समझ लो मेरी, उन्हों का नाम है खतीबे पाकिस्तान मुनाजरे इस्लाम हजरत अलामा मौलाना मुहम्मद आशिक फरीदी, बानी व मोतमिम व शेखुल हदीस जामिया फरीदिया रजविया बंगला गुगेरा, तशरीफ लेंदे और चंद मिनट च इंशाल्लाह जो मैं खिताब नहीं किया खिताब करके तुहानू सुना।